नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। श्री सिद्धारूढ़ मठ गुप्पा बीदर में स्थित श्रीमती इंदिराबाई गुरुदत्ता शेटकर हाई स्कूल बीदर मंडप में एसएसएलसी छात्रों के लिए संगम पार्टी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सीट बंटवारे मुद्दे पर जेडीएस नाराज, भाजपा नेता बोले मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल कर दिया जाएगा। बेंगलुरु में धार्मिक गीत बजाने पर दुकानदार की पिटाई से हंगामा, विरोध कर रहे सांसद को पुलिस ने पकड़ा। एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने की अमित शाह से मुलाकात, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव से भी मिले। सीएए पर कोई रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 9 अप्रैल को। अब समाचार विस्तार से। सिद्धारूढ़ मठ गुम्पा बीदर में स्थित श्रीमती इंदिराबाई गुरुदत्ता शेटकर हाई स्कूल बीदर के सिद्धारूढ़ अनुभव मंडप में आज मंगलवार 19 मार्च को सुबह 11:30 बजे एसएसएलसी छात्रों के लिए सेंड ऑफ पार्टी कार्यक्रम आयोजन किया गया। डॉक्टर हागीराव महिलारे, प्रशासक श्री चिदम्बरा शैक्षणिक संस्थान बीदर, उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जबकि मुख्य अतिथियों में डॉक्टर चंद्रप्पा भतपुर के प्राचार्य, चंद्रप्पा गौशिटी पीओ कॉलेज बीदर, नागप्पा जनकनोर प्राचार्य, श्री सदगुरु सिद्धारूढ़ महिला ग्रेजुएट कॉलेज बीदर शामिल थे। इनके अलावा इस विद्यालय की वरिष्ठ छात्र एवं अभियंता तांत्रिक विभाग श्रीमती चेतना गुंडेराव शिवदे, विद्यालय की वरिष्ठ छात्र सेवानिवृत्त सैनिक धनराज कुमार, राजेश कुमार बाबूराव बिरादर सेवानिवृत्त सैनिक उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान अध्यापक लक्ष्मण एम पुजारी ने की। मुख्य अतिथियों के हाथों से दीप प्रज्वलित करके और पूजा अर्चना करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सभी अतिथियों का सम्मान किया गया और छात्र और छात्राओं को भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में इस विद्यालय के सभी छात्र और छात्राएं, शिक्षक और प्रिंसिपल और अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर विद्यालय की वरिष्ठ छात्र चेतना गुंडेराव शिवदे के अलावा अन्य अतिथियों ने संबोधित किया। केपी न्यूज की सहायक अभियंता चेतना गुंडेराव शिवदे के साथ कैमरामैन अलीम पाशा का कवरेज। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में सीट बंटवारा के मुद्दे पर जेडीएस ने नाराजगी जताई है। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने विश्वास जताया कि इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा और जेडीएस के बीच हर मुद्दे पर चर्चा हो रही है और जल्द ही इन चर्चाओं का सुखद परिणाम मिलेगा। विजेंद्र ने कहा, कल रात मेरी हमारे राष्ट्रीय नेताओं के साथ बातचीत हुई, जिसके बाद मैंने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से फोन पर बात की और आज सुबह एचडी कुमारस्वामी के साथ भी जानकारी साझा की। उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्हें विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा और जो भी फैसला होगा वह जेडीएस को भी स्वीकार होगा। सीट बंटवारे के मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को कहा था कि उन्हें विश्वास है कि क्षेत्रीय पार्टी को 3 से 4 सीटें मिलेंगी। ऐसा बताया जा रहा है कि भाजपा जेडीएस को 2 सीट देना चाह रही है। जेडीएस पिछले साल ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गई थी और अब पार्टी ने भाजपा के साथ चुनावी गठबंधन किया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक दुकानदार को कुछ लोगों के समूह द्वारा पीटे जाने का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। दुकानदार के समर्थन में आज भारी संख्या में लोग बेंगलुरु के सिद्धन्ना लेआउट इलाके पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने में पुलिस के पसीने छूट गए। वहीं भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या भी प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बेंगलुरु पुलिस ने दुकानदार की पिटाई के मामले में सोमवार को 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल रविवार को बेंगलुरु में एक दुकानदार द्वारा अपनी दुकान में धार्मिक गीत बजाया जा रहा था, जिस पर वहां पहुंचे कुछ युवकों ने कथित तौर पर इसका विरोध किया और दुकानदार की पिटाई कर दी। मामला 2 समुदाय से जुड़ा है, ऐसे में एक समुदाय से जुड़े लोग बड़ी संख्या में पीड़िता दुकान के समर्थन में उतर आए और बेंगलुरु के सिद्धन्ना लेआउट इलाके में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। शिवमोगा और शिवकारीपुर रोड पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई, क्योंकि निजी बस ऑपरेटर सावलंगा रोड पर स्थापित टोल गेट का विरोध करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। निजी बस संचालक टोल गेट पर शुल्क देने को तैयार नहीं होने के कारण सड़क के दोनों ओर वाहन फंसे हुए हैं। उनका आरोप है कि शक्ति योजना लागू होने से उन्हें नुकसान हुआ है, इसीलिए वे फीस नहीं भर सकते। राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य राजमार्ग पर टोल गेट स्थापित किया है। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते समाचार। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में उठापाटक जारी है। महाराष्ट्र निर्माण सेना एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे। राज ठाकरे ने अमित शाह से मुलाकात करने के बाद कुछ देर उनसे बात की। बता दें कि राज ठाकरे सोमवार की रात को ही दिल्ली पहुंचे थे। मंगलवार को उन्होंने एक प्राइवेट होटल में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात की। इस मुलाकात के खत्म होने के बाद ही एमएनएस प्रमुख अमित शाह के आवास की तरफ रवाना हुए। इस दौरान उनके साथ विनोद तावड़े भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के पलक्कड में रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी मिशन साउथ के तहत इस पर साउथ के सभी स्टेट्स पर काफी ध्यान दे रही है। पीएम का पलक्कड में रोड शो के दौरान लोगों ने भव्य स्वागत किया। पब्लिक ने पीएम पर पुष्प वर्षा की। पीएम मोदी ने भी जनता का धन्यवाद किया। देश भर से सीएए के खिलाफ दाखिल 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीएए पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार से सीएए पर 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र सरकार से पूछा कि नोटिफिकेशन पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उनको कितना समय चाहिए, जिस पर केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने 4 हफ्ते का समय मांगा था। हालांकि अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को 3 हफ्ते का समय दिया है। मामले में अब अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की जंग जारी है। मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो लोग हर दिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे पर इल्जाम लगाते थे, आज वो ही समन से भाग रहे हैं, समन से डर रहे हैं। पात्र ने कहा, 6 महीने में 9 समन केजरीवाल को दिए गए, लेकिन उन्होंने एक भी समन का सम्मान नहीं किया। 9 समन पर 18 बहाने बनाए। उन्होंने कहा, पहला समन आया तो बहाना बनाया कि दिवाली है, दूसरा आया तो बहाना बनाया गवर्नेंस महत्वपूर्ण है, तीसरी समन पर कहा मैं विपसना करने जा रहा हूं, 14 पर बोला कि असेंबली चल रही है, 5वें पर बोले कि मध्य प्रदेश में चुनाव। इस तरह से उन्होंने 9 समन पर 18 बहाने बनाए। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते समाचार। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में शिबू सोरेन को अपने परिवार में बड़ी फूट का सामना करना पड़ा है। शिबू सोरेन की बड़ी बहू और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने जेएमएम के साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी ज्वाइन करते हुए सीता सोरेन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। सीता सोरेन ने कहा कि वह मोदी जी की सोच से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरे ससुर शिबू सोरेन और मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन ने झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए संघर्ष किया था। मेरे पति का सपना था कि झारखंड का विकास हो, लेकिन आज उनका सपना चकनाचूर हो रहा है। निजी चैनल के लीडरशिप कॉन्क्लेव राइजिंग भारत 2024 के मंच से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह भाजपा का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। नितिन गडकरी ने अपनी जीत की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि एनडीए इस बार 400 का आंकड़ा पार करेगा और पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं नितिन गडकरी ने कहा कि उन्हें चुनाव जीतने के लिए पोस्टर बैनर से प्रचार करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके काम की वजह से लोग उन्हें जानते हैं, इसीलिए वह मैन टू मैन कैंपेनिंग करेंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार।
श्री सिद्धारूढ़ मठ गुम्पा बीदर में स्थित श्रीमती इंदिराबाई गुरुदत्ता शेटकर हाई स्कूल बीदर मंडप में एसएसएलसी छात्रों के लिए संघ अफवाती कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सीट बंटवारे मुद्दे पर जेडीएस नाराज, भाजपा नेता बोले मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल कर दिया जाएगा। बेंगलुरु में धार्मिक गीत बजाने पर दुकानदार की पिटाई से हंगामा, विरोध कर रहे सांसद को पुलिस ने पकड़ा। एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने की अमित शाह से मुलाकात, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव से भी मिले। सीएए पर कोई रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 9 अप्रैल को। केपी न्यूज में इतना ही, देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।